ऐसे फेरा जाता है और इधर से निकाल के भाई साहब ऐसे निकाल देता है। क्या टेक्निक होता है, जनरेटर होता है। घूमते फिरते मुझे भी प्यास लग गया, काफ़ी गर्मी है। इसी गर्मी में इस टेम्परेचर में घूमकर आपको दिखा रहे हैं जगहों का नज़ारा। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अभी हरियाणा में घूम रहे हैं दोस्तों। गर्मी के साथ आपको जो हीट होता है काफ़ी, उसको एक घनत्व सिटी के अनुसार माना जाता है कि अगर आप ठंडे से प्यास बुझाना चाहते हैं तो इस तरह का ऊंट का जूस मिल जाएगा आपको। और देखिए भाई साहब बना रहे हैं कैसे ऊंटों का जूस, तकरीबन बहुत ही अच्छा है। पुदीन हरा भी देख रहे हैं यहाँ पर, और कैसे ईको का यहाँ पर जूस बनाया जाता है हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो में दोस्तों। आप अभी देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे ईख को इस मशीन में फंसाया जा रहे हैं और फंसा कर तैयार किए जा रहे हैं। देखिए क्या टेक्निक है, इस तरह का होता है दोस्तों मशीन और ईख हो गया इस तरह। इस टेक्निक के अनुसार आप देख रहे हैं कि कैसे ईख को, मतलब हिंदी ठेठ भाषा में बोला जाता है पेर देना, किसी चीज़ के को मशीनों के बीच लगाने को पेरना कहा जाता है। तो इसे ईख को दो मशीनों के घाट के अंदर लगाने के बाद से ये पेरना कहा जाएगा। पेर कर देखिए भाई साहब कैसे साफ सुथरा भी कर रहे हैं, ईख जूस ऐसे तैयार भी हो जाता है। आगे घुमा रहे हैं, ईख का जूस कैसे मिलता है, ईख का जूस क्या प्राइस होता है, देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। और मैं भी चलिए पी ही लेता हूँ जूस, और ऐसे बना रहे हैं भाई साहब। अभी मैं ऑर्डर दिया हूँ 20 का जूस बनाने के लिए, 10 से लेकर 50 रुपये तक की जूस आएंगे दोस्तों यहाँ पर। और मैं अभी ले रहा हूँ 20 रुपये का ग्लास अभी, और भाई साहब ऐसे बना रहे हैं जूस। आप देख रहे हैं मेरे साथ कैसे भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे देखिए मशीन में कैसे लग रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसे, और आउटपुट से खींचा जा रहा है। भाई साहब जूस तैयार कर दिए मेरे लिए, ऐसे जूस ले रहे थे। आइए दोस्तों पीजिए मेरे साथ, प्यास बुझाइए गर्मी में। और ये हुआ 20 रुपये का ग्लास तैयार बन के रेडी। आइए उसका क्या प्राइस होता है, मतलब 20 से 10 से लेकर 40 रुपए तक का प्राइस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों जूस का रेट 10 से लेकर मतलब 50 तक के प्राइस में है, और ऐसे भाई साहब बना रहे हैं जूस। आप देख रहे हैं हरियाणा में ऐसे नींबू भी होता है यहाँ पर, देख रहे हैं प्लास्टिक में है नींबू, और ऐसे दुकान आप देख रहे हैं जूसों को नजर। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो रहा है दोस्तों। मैं हूँ हरियाणा में अभी और घुमा रहा हूँ आपको ईको के जगहों में। देखिए कैसे, मतलब उसके अंदर पुदीन हरा रखा हुआ है, नींबू रखा हुआ है, और उसे इन करके आउट के रास्ते से हाथ से खींचा जा रहा है, कैसे ऐसे खींचा जा रहा है ताकि वो पूरा रस जो हो अच्छे से निकल पाए इसके अंदर से दोस्तों। और काफ़ी बार होता है, 2-3 टर्न कर दिए जाते हैं, इस मशीन में लगा दिया जाता है ताकि पूरी तरह से जूस निकल जाए दोस्तों। ऐसे बने रहिए मेरे वीडियो, इंजन से चलाकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे मशीनों का नज़ारा आप देखिए। भाई साहब
कैसे? देख रहे हैं जूसों का नजारा। गर्मी में कहा जाता है दोस्तों प्यास बुझाने के लिए ठंडे ठंडे ईखों का जूस दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है, अच्छा होता है। कैसे देख रहे हैं कुल्फियों का नजारा। ये कीवी है, अब कीवी देख रहे हैं ऐसे। छोटा ठेला होता है, इसके अंदर होता है दोस्तों कुल्फी,